प्यारे बच्चों नमस्कार। आठवीं क्लास मैथ प्रश्नावली 1.1 के में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने प्रश्नावली 1.1 के तीसरे सवाल तक सवाल हल किए थे, लेकिन आज हम चौथे सवाल से आपका आगे का हल करना शुरू करेंगे। तो आज का चौथा सवाल क्या है, निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम गुणात्मक प्रतिलोम या मल्टीपल इनवर्स क्या होते हैं। मल्टीपल इनवर्स या गुणात्मक प्रतिलोम वे होते हैं जिनकी जिनका गुणनफल एक हो, जिनका गुणनफल एक हो, यानी दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करते हुए हम अंश को हर बना देते हैं और हर को अंश बना देते हैं और साइन को चेंज नहीं करते। तो आइए सवाल चार का फर्स्ट पार्ट लेते हैं। तो -13 का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम या मल्टीपल इनवर्स, तो -13 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/-13। हम प्रीमेय संख्याओं में जो माइनस का साइन है उसको अंश के साथ ही रखते हैं। तो -1/13 दिए गए प्रश्न का उत्तर होगा। आइए अब हम दूसरे सम की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरे सम में क्या है, -13/19। तो -13/19 का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम बराबर है। तो -13/19, मैंने अभी परिभाषा बताते हुए कहा था कि अंश को हर और हर को अंश बनाना है, तो 19/13 और माइनस किसके लगा हुआ है, 13 के, लेकिन मैंने यह भी कहा था कि हम अंश के साथ माइनस लगाते हैं। तो -19/13 दिए गए प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक इसी प्रकार तीसरा थर्ड पार्ट, 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम यानी 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम 5/1 यानी 5 आपका आंसर है। तो थर्ड पार्ट 1/5 का 5। आइए फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या है, -5/8 गुणा ब्रैकेट शुरू -3/7 का गुणात्मक प्रतिलोम, का गुणात्मक प्रतिलोम। तो इसे हल करने से पहले इनकी आपस में गुणा करनी जरूरी है। तो ब्रैकेट को मैं खोल के दिखाता हूं, -5/8 गुणा -3/7। तो देखिए जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कीजिए, जो नहीं होता है तो उनके आपस में गुणा कीजिए। तो -3 और -5, 5 + 15 और -15 + 15/8 = 56। तो जो आपका सम है वो यह न रह के 15/56 हुआ और 15/56 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हुआ, 56/15। तो आपका आंसर ये हुआ। तो फोर्थ पार्ट का आंसर 56/15। आइए फिफ्थ पार्ट की ओर चलते हैं। तो फिफ्थ पार्ट में क्या है, -1 × -2/5 ब्रैकेट बंद का गुणात्मक प्रतिलोम, का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। तो सबसे पहले इनकी गुणा कीजिए, -1 × -2/5 कोई कैंसिल होता है तो कैंसिल कीजिए, नहीं तो इनकी गुणा कीजिए, ऊपर वालों की और नीचे वालों की। 2 × 2 − − + 2/5। तो 2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हुआ, 5/2। तो 5/2 आपके प्रश्न का उत्तर हुआ। इस प्रकार आपका
पांचवा पार्ट भी कंप्लीट। आइए छठे पार्ट की ओर बढ़ते हैं। तो छठा है आपका माइनस एक का गुणात्मक प्रतिलोम। तो माइनस एक का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हुआ? माइनस एक का गुणात्मक प्रतिलोम एक बटे माइनस एक, अंश का हर और हर का अंश। तो मैंने पहले भी बताया था कि जो माइनस का निशान है हम ऊपर वाले के साथ ही लगाते हैं, तो माइनस एक बटे एक यानी वही माइनस एक। तो माइनस एक का गुणात्मक प्रतिलोम भी माइनस एक हुआ। अब हम अगले सम की ओर चलते हैं। तो अगला पार्ट पांचवें सवाल की ओर। पांचवें सवाल में क्या है? निम्नलिखित प्रत्येक के गुणन के अंतर्गत प्रयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। अब आपको सवाल दिए गए हैं और इन सवालों में किस गुणधर्म का प्रयोग किया गया है। आपको प्रिमेय संख्याओं के गुणधर्मों के बारे में विस्तार से पिछले लेक्चर में बताया गया है। तो अब हमें इसके अंदर कौन से गुणधर्म प्रयोग किए गए हैं, आइए पहले सवाल के अंदर देखते हैं। माइनस चार बटे पांच गुणा में एक बराबर है एक गुणा में माइनस चार बटे पांच का रिजल्ट माइनस चार बटे पांच आ जाए तो इसके अंदर कौन सा गुणधर्म लगाया हुआ है। तो हम बोलेंगे इसके अंदर गुणात्मक गुणात्मक तत्समक गुणात्मक तत्समक या इंग्लिश में एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लीकेशन या एलिमेंट ऑफ मल्टीपल एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन गुणा का तत्व या तत्समक। तो गुणा का तत्समक क्या होता है, गुणात्मक तत्समक क्या होता है? गुणात्मक तत्समक हम उस संख्या को कहते हैं यदि दूसरी संख्या के साथ उसकी गुणा की जाए तो रिजल्ट पर कोई असर ना पड़े। तो एक वही गुणात्मक तत्समक होता है एक की माइनस चार बटे पांच के साथ गुणा की गई है और यहां पर एक की फिर माइनस चार बटे पांच के साथ गुणा की गई है तो रिजल्ट वही माइनस चार बटे पांच आया। इसलिए इस गुणन की प्रक्रिया में कौन सा गुणधर्म अपनाया गया है? गुणात्मक तत्समक का गुण या एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लीकेशन या एलिमेंट ऑफ मल्टीपल का गुण अपनाया गया है। आइए अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट है माइनस तेरह बटे सत्रह गुणा में माइनस दो बटे सात बराबर है माइनस दो बटे सात गुणा में माइनस तेरह बटे सत्रह। तो हमें यहां देखते ही पता चलता है कि मान लो यह ए है और ये बी है तो यहां ये बी हुआ और ये ए हुआ यानी ए की गुणा बी के साथ की गई है और इसमें बी की गुणा ए के साथ की गई है यानी क्रम बदल दिए गए हैं। तो कौन सा गुणधर्म का प्रयोग किया गया है? क्रम विनिमेयता, क्योंकि हमने पहले पढ़ा हुआ है क्रम विनिमेयता का गुणधर्म या हम ये कह सकते हैं कि कॉमुटेटिविटी की प्रॉपर्टी या क्रम विनिमेयता या क्रम को बदल दिया गया है। तो इसलिए सेकंड पार्ट के अंदर क्रम विनिमेयता का गुणधर्म प्रयोग किया गया है। आइए पांचवें सवाल के लास्ट पार्ट में चलते हैं। तीसरा माइनस उन्नीस बटे पच्चीस गुणा में माइनस उन्नीस बटे उनतीस गुणा में उनतीस बटे माइनस उन्नीस। हमें सकल देखते ही पता चलता है कि अंश को हर बना दिया गया है और हर को अंश बना दिया गया है और साइन नहीं चेंज किए गए। तो इससे कौन सा गुणधर्म का प्रयोग किया गया है? गुणात्मक प्रतिलोम
गुणात्मक प्रतिलोम या इनवर्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन या मल्टीपल इनवर्स, मल्टीपल इनवर्स, क्योंकि जैसे ही हमने शुरुआत की थी तो तब हमने गुणात्मक प्रतिलोम की परिभाषा बताई थी कि गुणात्मक प्रतिलोम वे संख्याएं होती हैं जब आपस में उनका अंश बदल दिया जाए, अंश को हर और हर को अंश बदल बना दिया जाए और उनकी आपस में गुणा की जाए तो उनका जो परिणाम आता है, जो उनका रिजल्ट आता है वो एक होता है। तो यहां यही किया गया है, -19/29 गुणा की गई है -19/29 के गुणात्मक प्रतिलोम से और एक हमारे पास आंसर आया। तो इस सवाल के अंदर कौन से गुणधर्म का प्रयोग किया गया है, तो गुणात्मक प्रतिलोम का प्रयोग किया गया है। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो छठा सवाल आपका 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करो। व्युत्क्रम यानी रिसिप्रोकल, रिसिप्रोकल मतलब उल्टा। तो हमें 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम, तो -7/16 का व्युत्क्रम क्या हुआ, 16/7, और निशान हमें चेंज नहीं करना है। तो -16/7, आइए कोई कैंसल होता है क्या, कोई कैंसल आपस में कुछ नहीं होता। तो ऊपर ऊपर अंश अंश की गुणा करो और हर हर की गुणा करो, 16 6 96 और -+-, 13 97 91, तो 96 -96/91 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करने पर प्राप्त हुआ। तो ये आपका आंसर हुआ। बड़ा आसान सवाल था और सारे ही सवाल बड़े आसान हैं, और यदि आप थोड़ा सा ध्यान से करोगे, वीडियो को अच्छे से सुनोगे, तो आपको आनंद भी आएगा और सवाल भी समझ में आएंगे। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।